hello i am govin Ghazani from clc seeker clc has conducted a clc techno 23 on the date of 4th december 2022 now we are now here we are discussing the solution of a mathematical portion now the question number first that is a product of a place value of twos in the 4 428721 now here two comes at two places this one and this one. now we have to taking the place value of both of these numbers. here this one is at a tens place so it can read as 20. now at this one place this one is a 10000 place this one is considered at a 20000. now we have to multiply the both of these. 2 into 2 now 4 1 zero, 2 0 3 zero, four 0 5 0 and 5 zeros 1 2 3 4 5. करेक्ट आंसर नाउट क्वेश्चन सेकेंड थ्री इंटू टेन थाउजेंट प्लस सेवन इंटू वन थाउजेंट प्लस नाइन इंटू हंड्रेड प्लस जीरो इंटू टेन प्लस फोर मतलब देखो प्लस में क्या है फोर है मतलब लास्ट लास्ट क्या आएगा फोर आएगा उसके बाद में हम बात करते हैं टेन को किससे मल्टीप्लाई किया जीरो से मतलब टेन्स प्लेस में क्या आएगा जीरो ंड्रेड को किससे मल्टीप्लाई किया नाइन से तो नाइन प्लेस में आपका हंड्रेड प्लेस में क्या आएगा नाइन थाउजेंड को किससे मल्टीप्लाई किया सेवन से तो आपका प्लेस क्या आएगा सेवन और टेन थाउजेंड को किससे मल्टीप्लाई किया थ्री से तो ये यहां पे आ जाएगा थ्री थर्टी थर्टी सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर विल बी अ करेक्ट आंसर ना ऑप्शन नंबर कौन सा है ऑप्शन नंबर थ्री विल बी अ करेक्ट आंसर फ्रॉम फोर ऑफ फ्रॉम फोर ऑफ दीज विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है फर्स्ट आपको दिया एस सी एफ ऑफ इवन एंड ऑड इज इवन मतलब हम कह रहे हैं कि एस सी एफ निकालना है, किसका इवन का और ऑड का वो क्या आना चाहिए आपका इवन आना चाहिए मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक आपका इवन नंबर है मान लो आपका सिक्स और ऑड नंबर है आपका नाइन दोनों का जब एस सी एफ लेंगे इनका इनका कितना आएगा? आ आ गया थ्री आ गया। तो तो आपका है 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 मतलब ये तो गलत एक गलत एकदम ही बोल रहा है। फिर देख लेते अगर कोई और भी ऑप्शन है तो दी एफ ऑफ टू को वन। ये कह रहा दो को का कितना होना होना चाहिए चाहिए दो प्राइम नंबर के बारे में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए

और आपका ट्वेल्व क्या होता है आपका टू इन टू टू इन टू थ्री हेयर वी हैव गेट अ कॉमन फैक्टर दैट इज ओनली एंड ओनली टू नाउ हमारा एस सी एफ कितना आना चाहिए टू आना चाहिए टू बात सही कह रहा है ये भी बात सही है हमारी उसके बाद में देखो क्या बोल रहा है एस सी एफ ऑफर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर इज मतलब दो अलग अलग आपके प्राइम नंबर का आपका कितना आना आना चाहिए चाहिए वन डेफिनेटली सही बात है ये तो प्राइम नंबर कहते क्या है जिनका जिनमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो कितना होगा वन मतलब ये बात भी सही है आपको पूछ के रहा है नॉट ट्रू तो नॉट ट्रू में कौन सा ऑप्शन सही हो गया फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर नाउ सीधा सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है टू मिलियन टू मिलियन क्या होता है आपका ट्वेंटी लैख नंबर फर्स्ट विल बी आंसर। नाउ दोनों से हमने क्या किया एटी वन थाउजेंड सिक्सेंड टू हंड्रेड सिक्स कॉमन ले लिया एटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्स कॉमन ले लिया तो क्या आ गया वन सिक्सटी फाइव वन सिक्सटी नाइन

उ मेनीचुरचुरल नंबर कितने बहुत सारे हैं जब भी सम करेंगे तो हमेशा हमेशा क्या आना चाहिए आपका होल नंबर ही आना चाहिए हंड्रेड आएगा ये जरूरी बात नहीं है आपका जीरो आएगा दैट इज नॉट कंपल्सरी एट ऑलवेज ऑड नंबर आएगा ये भी कंपल्सरी नहीं है तो आपका कर... कंपल्सरी क्या हो जाएगा दैट शुड बी अ होल नंबर नाउ अ स्कूल क्वेंटीन चार्ज ट्वेंटी रुपीज फॉर लंच एंड फोर रुपीज फॉर मिल्क मतलब टोटल चार्ज कितना हो गया ट्वेंटी एंड फोर ट्वेंटी फोर हाउ मच मनी डू यू स्पेंड फॉर फाइव डेज मतलब दोनों को हमने एड कर दिया ट्वेंटी फोर कितने डे के लिए फाइव डे के लिए इंटू फाइव कर देंगे क्या आ जाएगा वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम्स को प्राइम्स जिसमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए हम फर्स्ट एग्जांपल में देख रहे हैं यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है टू है मतलब ये गलत है सेकंड में देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है कुछ भी नहीं मिला थर्ड के अंदर देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या है पे? है पे डिजिबल है? है, मतलब कौन सा एट से डिविजिबलि के लिए लास्ट थ्री डिजिट देखना पड़ेगा टू थर्टी फोर इज नॉट अ डिविजिबल बा टू इज नॉट अ डिविजिबल बा डिविजिबल बाय 8 एंड नंबर फोर्थ विल 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है इन दोनों का सम किया नाइन हो गया नाइन एंड सेवन कितना ट्वेंटी टू हो गया ट्वेंटी टू एंड वन क्या हो गया ट्वेंटी थ्री हो गया ट्वेंटी थ्री एंड एट

25, 25 and 5, 30, 30 is not divisible by 9. Third option check करते हैं. 1034, ये क्या हो गया? 8, 189 कितना हो गया? 17, 175, 22, 22 एंड 7, 29, 29 and 6 कितना हो जाएगा? 35, 35 is not divisible by 9. Now last option. 9 and 5, 14, 14 and 1, 15, 15 and 5, 8, 15 and 3, 18, 18 and 4. ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू एंड सेवन ट्वेंटी टू एंड सेवन हो जाएगा ट्वेंटी वॉट लीस्ट वैल्यू शुड बी एडेड टू स्टार स्टार की जगह लीस्ट वैल्यू क्या लगाएंगे सो इट इज डिविजिबल बाय नाइन वापस नाइन से डिविजिबिलिटी चेक करनी है देखो यहां पे सम किया टेन टेन और फाइव फिफ्टीन फिफ्टीन टू 15 और 2 कितना होता है 17, 17 एंड 6 कितना होता है 17, 6, 23 हो जाएगा तो 23, 23 के बाद में कौन सा नंबर है जो आपका इससे डिविजिबल होता है 9 से 27, तो 23 को 27 बनाने के लिए क्या चाहिए मुझे 4 चाहिए प्लस 4 करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी ए करेक्ट आंसर नाउ दक्सेसर ऑफ प्रीडिसर सक्सेसर ऑफ अ प्रीडिसर ऑफ माइनस 15, ठीक है माइनस फिफ्टी का जो प्रीडिसर है मतलब उससे पहले आ रहा है माइनस फिफ्टी से पहले क्या आएगा माइनस फिफ्टी वन उसका सक्सेसर मतलब उसके बाद में क्या आ रहा है माइनस फिफ्टी देन ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द एडिटिव इनवर्स नेगेटिव इंटीजर क्या होता है Note, आपके नंबर्स होंगे उनका सम करेंगे तो क्या आना चाहिए रिजल्ट जीरो आना चाहिए तो जीरो हमारा, अगर जीरो बनेगा तो पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर विच फॉलोइंग दो द मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर टेम्परेचर के अंदर मैक्सिमम राइज किसमें दिख रहा है यहां पे जीरो टू टेन में कितना राइज हो गया टेन डिग्री सेंटीग्रेड यहां पे कितना हो गया माइनस सॉरी यहां पे माइनस से प्लस हमारा आ रहा है तो क्या हो गया प्लस का ट्वेल्व डिग्री यहां पे माइनस फिफ्टीन टू माइनस एट ये तो डिक्रीज हुआ है ये भी आपका इंक्रीज हुआ है कितना हुआ है सेवन डिग्री और यहां पे कितना हो गया टू ये भी क्या हो गया आपका सेवन डिग्री तो मैक्सिमम किसके अंदर ट्वेल्व के अंदर तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी अ करेक्ट आंसर नाउ अमन इज अव ट्वेंटी फाइव ईयर यंगर देन हर मदर अमन क्या है अपनी मदर से ट्वेंटी फाइव ईयर यंगर है मतलब पच्चीस साल छोटा है रीना इफ इन सिक्स छह साल बाद में अमन की क्या हो जाएगी? रीना की एज की क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी देन हाउ हाउ ओल्ड वमन फाइव ईयर है गो पांच साल पहले उसकी एज क्या थी तो अमन की एज को let कर लिया कि अमन की एज कितनी है हमारी एक्स है अभी ये कह रहा है अमन इज 25 इयर्स यंगर देन हिज मदर तो मदर की एज हो जाएगी मदर की एज क्या हो जाएगी हमारे x 25 तो अमन की एज और मदर की एज दोनों के बारे में पता चल गया अब क्या बोल रहा है सिक्स इयर्स ठीक है इन इफ इन 6 इयर्स मतलब छह साल बाद में हम बात करते हैं तो अमन की एज क्या हो जाएगी x 6 मदर की एज क्या हो जाएगी x 31 ये क्या बोल रहा है अमन की एज है तो मदर की एज की क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी तो मदर की एज क्या है? एक्स प्लस ट्वेंटी एक्स प्लस टू क्या एक्स प्लस अमन की एज की मदर की हाफ की? कर दो चाहे मदर की एज अमन की, की डबल कर लो. दोनों सेम बात है तो क्या हो गया एक्स प्लस थर्टी वन इक्व टू टू एक्स प्लस ट्वेल्व ट्रांसफर की ट्रांसपोर्टेशन किया ये उधर गया और ट्वेल्व का कर, कर दिया तो कितना हो जाएगा तो आपका थर्टी वन माइनस ट्वेल्व इक्वल टू टू एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स कितना होता है एक्स और थर्टी वन माइनस ट्वेल्व कितना हो जाएगा नाइनटीन नाउ वी जस्ट वॉन टू से ये हमारी एज किसकी आगे अमन की वट हाउ ओल्ड अमन फाइव है मतलब पांच साल पहले उसकी एज क्या थी? मतलब हम क्या करेंगे इसमें से फोर फाइव माइनस कर देंगे कितना ट्वेल्व इज इक्विल्स अपॉन थ्री मतलब ट्वेल्व का क्या बन गया थ्री बन गया ट्वेल्व का थ्री कब बनेगा जब फोर का डिवाइड करेंगे तो फाइव में फोर का डिवाइड करना पड़ेगा तो फाइव में फोर का डिवाइड तो करेंगे तो फाइव अपॉन फोर ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए अपॉन बी ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी तो हमें क्या करना है ए प्लस बी और ए ए माइनस बी का रेशियो फाइंड करना है तो so, अब देखो यहां पे हम बात करते हैं ए अपॉन बी इक्वल टू कितना हो गया फोर अपॉन वन ऊपर वाला ऊपर वाले के इक्वल है नीचे वाले नीचे वाले के इक्वल है तो so, अब यहां पे क्या करेंगे ए की वैल्यू ए एक्वल टू लेट कर लिया फोर के और b इक्व टू हो गया वन के नाव ये वैल्यू पुट कर देंगे यहां पे वैल्यू में पुट किया तो फोर के प्लस के अपॉन फोर के माइनस के कितना हो जाएगा फाइव के अपॉन थ्री के के से के कैंसिल आउट हो गया फाइव अपॉन थ्री विल बी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी अ करेक्ट आंसर सेम क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ए अपॉन बी इक्वल टू फोर अपॉन थ्री ए अपॉन बी इक्वेल टू फोर अपॉन थ्री नाउ ए फोर के और बी थ्री के के इक्वल हो जाएगा तो ए हो गया हमारा ए फोर के और बी हो गया आपका थ्री के नाउ वी द वैल्यू इन द रिलेशन सिक्स ए मतलब क्या हो गया सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर के फोर बी मतलब टू इंटू थ्री कितना ट्वेल्व ट्वेल्व के डिवाइडेड बाय सिक्स ए मतलब ट्वेंटी फोर के ट्वेंटी फोर के हो जाएगा माइनस फाइव बी मतलब फाइव इंटू थ्री फिफ्टी फिफ्टीन के हो गया इसको एड किया थर्टी सिक्स के हो गया इसको माइनस किया नाइन के हो गया के से के गया नाइन के टेबल से फोर टाइम देन आंसर बिकम्स अफ फोर ऑप्शन नंबर थ्री विल बी करेक्ट आंसर फ्रैक्शन फ्रैक्शन इज टू टू बी एडिड इन 16 अपॉन 15 टू गेट 8 1 अपॉन 5. एट वन अपॉन फाइव अपने के गेट, कर, गेट करना है इसमें ऐड करना है तो मतलब एट वन अपॉन फाइव ये मिक्स फ्रैक्शन तो है उसको इमर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे कितना आ जाएगा आपका फोर्टी वन अपॉन फाइव अब देखो अपॉन में क्या फिफ्टीन है? है यहां पे ठीक सॉरी अब इसको क्या करेंगे 65/13 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो एक टू हो गया 41/5 67/15 दोनों का एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 15 नाउ 15 इज डिवाइडेड बाय 5 देन वी गेट अ 3 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 41 से 123 15 इज डिवाइडेड बाय 15 देन वी गेट अ 1 1 इज मल्टीप्लाई बाय 67 देन वी गेट अ 67 नाउ माइनस किया कितना आ गया 6, और ये क्या आ गया फाइव फिफ्टी सिक्स अपॉन में जब फिफ्टीन का डिवाइड करेंगे में है मतलब तीन से पहले पॉइंट आ जाएगा तो तीन से पहले पॉइंट किसमें है? ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी अ करेक्ट आंसर टी वन अपॉन थाउजेंड थाउजेंड मतलब थ्री जीरो तीन से पहले पॉइंट लगा दो नाउ ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर थ्री अपॉन हंड्रेड मतलब दो से पहले पॉइंट लगा देंगे हम क्या करेंगे जीरो पॉइंट जीरो थ्री फाइव अपॉन टेन थाउजेंड मतलब चार से पहले पॉइंट लगा देंगे तो जीरो पॉइंट जीरो 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 फाइव इनको करेंगे तो कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो थ्री जीरो फाइव विल बी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट आंसर वन मीटर इज इक्वल टू वन मीटर किसके इक्वल होगा किलोमीटर में बात करेंगे वन मीटर इक्वल टू वन अपॉन थाउजेंड किलोमीटर मतलब जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन किलोमीटर ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट आंसर

फर्स्ट क्वेश्चन है इफ एयर इज कॉल्ड ग्रीन ग्रीन इज कॉल्ड ब्लू ब्लू इज कॉल्ड स्काई एंड स्काई इज कॉल्ड येलो येलो इज कॉल्ड वाटर एंड वाटर इज कॉल्ड पिंक देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई क्लियर स्काई का जो कलर होगा ब्लू होगा एंड ब्लू इज कॉल्ड स्काई ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर इफ रिक्वेस्ट इज रिटन इन एज तो कॉन्सोनेंट है प्लस वन आ रहा है वोवल का प्लेस वैल्यू आ रहा है कॉन्सोनेंट में प्लस वन वोवल्स का प्लेस वैल्यू वोवल्स का प्लेस वैल्यू कॉन्सोनेंट में प्लस वन में प्लस वन मतलब जो कॉन्सोनेंट है उसका तो नेक्स्ट लेटर है और जो वोवल्स है उनका कि कौन से नंबर का वोवल है तो एसिड में सबसे पहले ए वोवल है सी का डी बन जाएगा यहाँ से हमारे पास आई कौन से नंबर पे है ए ई आई ओ यू तो थर्ड नंबर पे है और डी का क्या बन जाएगा ई e. ऐसा ऑप्शन देखते हैं वन डी थ्री ई

और डिवाइड मीन क्या है फोर तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइव डिवाइडेड तो तो हो जाएगा हमारे पास टू सो इसे कैंसिल कर देंगे देंग। क्योंकि ये equation ऐसे जाएगी ना तो से लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा नाइन वैल्यू तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन द आंसर दिनोज इन आर फैमिली ऑफ पर्सन ए बी सी डी ई एफ आर टू मैरिड कपल्स डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए एंड मदर ऑफ बी एंड मदर ऑफ बी बी की मदर है कौन डी तो ये बी यहां एक बार कंडीशन ले लेते हैं सी इज द वाइफ ऑफ बी सी इज द वाइफ ऑफ बी सी का जेंडर क्लियर हुआ तो बी का ऑटोमेटिक क्लियर हो गया एंड मदर ऑफ एफ एंड किसके लिए आया है अगेन सी के लिए तो एफ इज द मदर देन इसी का तो होगा ना एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ इंडर मतलब ई e सी के साथ मैरिड होगा और उसका जेंडर प्लस क्योंकि ये माइनस है वॉट इज सी टू ए वी टू ए क्या लगा सी क्या लगा ए का मदर ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर अफ द गिथ वन ट्रम मिसिंग चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम गिवन वन जैट विल कम्प्लीट दीरीज अब इसको सीरीज देख लेते हैं तो यहां से प्लस फाइव है प्लस थ्री है फिर प्लस फाइव है प्लस थ्री है फिर प्लस फाइव है प्लस थ्री है ऐसा ही तो कुछ है तो अब हम लोग ऑप्शन से देखें तो यहां से प्लस थ्री है ये भी प्लस थ्री है ये माइनस में है तो ये देख लेते हैं प्लस फाइव एट फाइव थर्टीन और थर्टीन प्लस फाइव सिक्सटीन ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर अ कमल से इज रवीज मदर कमल रवीज मदर रवीज मदर इज द ओनली डॉटर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर जो मेरी मदर है उसकी ओनली डॉटर है मतलब कमल की सिस्टर हो जाएगी रवि की मदर ऐसा ही तो होगा ना देन हाउ इज द कमल रिलेटेड टू रवि कमल रिलेटेड टू रवि मैटरनल अंकल या अंकल ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर पॉइंटिंग टू ए ओल्ड मैन ओल्ड मैन की तरफ पॉइंट करके कौन कह रहा है भाई कुनाल कुनाल सेड ज सन कुनाल सेड हिज सन इज माई सनस अंकल जो ये है वो मेरे सन का अंकल है तो वो मेरे सन का अंकल है मतलब हिज सन उसका जो बेटा है वो मेरे बेटे का चाचा है देन हाउ इज द ओल्ड मैन रिलेटेड टू कुनाल कूनाल का क्या हुआ फादर हुआ ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर

अब इसके आगे ऐड हुआ फिर पीछे ऐड हुआ फिर आगे ऐड हुआ फिर पीछे ऐड 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 हुआ। जो भी फिगर होगी होगी। वो आगे हो तो आगे मुझे एक एरो दिख रहा है, तो मुझे इस तरीके का सा थर्टी सेवन रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द्वेश्चन इन सिक्स मैरिड कपल्स डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए एंड मदर ऑफ बी मतलब डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए एंड मदर ऑफ बी नेक्स्ट सी इज द वाइफ ऑफ बी सी बी तो इसका जेंडर क्लियर हो गया एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई और सॉरी इसमें लैंग्वेज और दिया है मदर ऑफ एफ तो एफ यहां से आ जाएगा क्योंकि वो सी के लिए तो है ना और एफ इज द ग्रैंड डॉटर तो ग्रैंड डॉटर से जेंडर क्लियर कर ही दिया मैंने और डॉटर ऑफ ई की ग्रैंड ऑर्डर है तो ई यहाँ आ जाएगा ये लो प्लस हाउ मैनी मतलब या तो दो है या तीन आर थ्री क्लियर नहीं कर सकते तो आंसर कितना हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड रोहन वॉक अ डिस्टेंस ऑफ थ्री किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ देन टर्न टू हिज लेफ्ट यहां से लेफ्ट वॉक करेगा एंड टू किलोमीटर ही अगेन लक्ष्मणी किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम किलोमीटर वो चला

डाइस इज थ्री इज डाउनवर्ड विच नंबर विल बी है तो फोर टू वन फोर थ्री फाइव तो टू अपोजिट तो आंसर क्या हो जाएगा टू ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स सेल्फ पुखराज जाकर टीम फिजिक्स सी एल सी सीकरी वन न इज सिस्टम ऑफ मेजरमेंट फर्स्ट ऑप्शन एम के एस सेकेंड ऑप्शन सी जी एस थर्ड ऑप्शन एफ पी एस फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दिस ठीक है एम के एस क्या होगा ये हो जाएगा मीटर के हो जाएगा किलोग्राम और ऐसा हो जाएगा सेकेंड ये मेजरमेंट का सिस्टम है तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा सेकेंड ऑप्शन है सी जी एस ये हो जाएगा सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड ये भी होगा ठीक है थर्ड ऑप्शन है एफ पी एस एफ पी एस ये आ जाएगा फिट पाउंड एंड सेकेंड ये भी होगा तो मतलब आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ एबो ये आंसर हो जाएगा एमके पी मेजरमेंट सिस्टम है सी पी है एंड एफ पी एस पी है तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन का आंसर होगा फोर्थ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 द हाइट ऑफ ए पर्सन इज 2.35 मीटर h इज इक्वल टू ये मीटर में दे रखा है 2.35 मीटर एक्सप्रेस इट इनटू मिलीमीटर मिलीमीटर को अगर कन्वर्ट करना है मीटर को मिलीमीटर में तो क्या करेंगे 1000 से 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 2. 35 इज इक्वल टू 23 5 और जीरो एमएमआर जाएगा इसका ऑप्शन कौन सा होगा टू थ्री फाइव जीरो टू थ्री फाइव जीरो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अ करेक्ट रिलेशनशिप चार ऑप्शन है डिस्टेंस का कन्वर्जन करना है ठीक है तो हमें बताना है करेक्ट कौन सा है फिफ्टीन मीटर इज इक्वल टू फिफ्टी सेंटीमीटर मीटर 1 मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर तो फिफ्टीन इंटू हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड सेंटीमीटर ठीक है तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है वन पॉइंट एट सेकेंड ऑप्शन वन पॉइंट एट इंटू किलोमीटर को मीटर में करना है तो थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एटीन हंड्रेड मीटर ये ऑप्शन भी करेक्ट है हमारा थर्ड ऑप्शन है थ्री सेंटीमीटर को एमएम में कन्वर्ट करना है तो टेन से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 is equal to 10 mm, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो थ्री सेंटीमीटर टू थ्री इंटू टेन टू थर्टी एम एम कर दें, कोई दिक्कत नहीं तो ये ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा इसमें भी फोर्थ ऑप्शन सही होगा ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट ठीक है नेक्स्ट द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये डिस्टेंस ले लेते हैं और ये टाइम ले लेते हैं अगर ये मैं रिलेशन निकालू ये कोई कर रहा है तो इसका जो ये थीटा होगा इसकी जो स्लोप होगी वो हमें शो करेगा स्पीड को यहां पे वेलोसिटी आंसर नहीं होगा अगर डिस्टेंस की जगह यहां पे डिस्प्लेसमेंट होता तो हमारा आंसर हो जाता है वेलोसिटी अदरवाइज यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हमारा स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम ग्राफ का जो स्लोप बताएगा वो होगा स्पीड नेक्स्ट 45 द प्रोट्रूडिंग मेटल कैप एट वन एंड ऑफ द सेल इज इट्स नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल न्यूट्रल टर्मिनल नन ऑफ दो ये सेल होता है हमारा ठीक है इस पे एक मेटल कैप लगी होती है ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है सेल का और ये जो दूसरा जो फ्लैट पोर्शन होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है ये हमारा ऑप्शन टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल ठीक है नेक्स्ट अ फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड आउट ऑफ विच मटेरियल कॉपर टंगस्टन सिल्वर वायर फिलामेंट ऑफ बल्ब इसमें जिसका सबसे ज्यादा थर्मल कॉफिशियंट होगा वो ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन टू हमारा होगा तो हो वो मटेरियल हम फिलामेंट में यूज लेते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन टू हमारा करेक्ट हो जाएगा टंगस्टन इज राइट आंसर नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू फिगर बल्ब विल नॉट ग्लो इफ द ए टू बी आर कनेक्टिंग विद अगर बल्ब को ग्लो होने के लिए क्या करना होगा ये सर्किट हमारा कंप्लीट होना चाहिए अगर सर्किट किसी एक मेटल या कोई जो भी सब्सटेंस में ऑप्शन दिया लगाने से अगर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो बल्ब ग्लो करेगा और अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा सर्किट कंप्लीट कब होगा जब यहां पे कोई कंडक्टर हम कनेक्ट कर दे ठीक है अगर देखो स्टील स्पून स्टील क्या है स्टील का ये कंडक्टर है कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का अगर स्टील इस स्पून लगाएंगे तो ये ग्लो करेगा है कि ठीक पास होगी क्योंकि ऑप्शन नहीं होगा प्लास्टिक स्पून प्लास्टिक इंसुलेटर होता है प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है ये अगर आप कनेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो हमारा ऑप्शन थर्ड यहाँ करेक्ट हो जाएगा कॉपर भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट होता है ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट 48. एट द लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट चेंजेज इट्स पाथ द फिनोमिना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पार्शियल रिफ्लेक्शन देखो एक होता है रिफ्लेक्शन और सेकंड होता है रिफ्लेक्शन ये मीडियम वन मैं ले लूं और ये ले लूं मीडियम टू ये इसका मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लूं ठीक है अब अगर यहां से एक लाइट इंसिडेंट हो रही है यहां पे ठीक है ये वन मीडियम से एंगल आई पे तो ये जब भी सेकेंड मीडियम लगेगी ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएगी ये नॉर्मल है तो ये क्या होगा अगर या तो इस साइड आ जाएगी या तो इस साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल अवे फ्रॉम दल जाएगी ठीक है क्योंकि इसमें जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम लाइट प्रोपोकट करेगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से यह अपने से हो जाती है, अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम आएगी तो टुअर्ड्स दॉर्मल डिफ्लेक्ट हो जाएगी और अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी और इसी को ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन तो रात right okay. yes, में देखते हैं शेडो इज वन डायमेंशनल नहीं ये गलत है शेडो थ्री डायमेंशनल होती है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कास्ट नो शेडो बिल्कुल सही एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट होता है तभी शेडो बनती है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की शेडो नहीं बनेगी तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ठीक है लाइट इज इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी बिल्कुल सही है तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ फोर्थ हमारा राइट right आंसर हो जाएगा यहाँ पे शेडो वन डायमेंशनल नहीं होता ये हमारा यहाँ सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी अ कंप्लीटली डार्क रूम इफ यू होल्ड अप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू विल यू सी योर रिफ्लेक्शन इन द मिरर लाइक अगर कंप्लीटली डार्क रूम है तो उसके सामने आप मिरर लगा दो उसमें तो जब रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा डार्क रूम में क्या होगा जब ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट हो गए आप तक आएगी नहीं तो हमें इमेज नहीं दिखेगी उसकी तो कंप्लीटली डार्क रूम में हमें कोई इमेज नहीं दिखेगी सेम टू सेम नहीं जस्ट हाफ नहीं नो इमेज विल गेट फो

जो स्वेटर बनाने में काम आता है तो आपको पता स्वेटर जो होते हैं ऊंचे प्राप्त किए जाते हैं ऊंच से प्राप्त होते हैं तो ऑप्शन क्या आएगा इसका थर्ड ऑप्शन स्वेटर जो होते हैं बेसिकली ऊन से प्राप्त होते हैं क्योंकि ये को ट्रांसफर नहीं करने देता है उसकी कंडक्टिविटी कम होती है वुल की फिफ्टी थ्री नंबर का सवाल जो है बोलना चाह रहा है कि रेशम जो है किससे प्राप्त होती है तो रेशम जो है आपको पता है जोंक से प्राप्त नहीं होती है वो रेशम कीट जो होता है रेशम कीट जो होता है सिल्क मोथ जो होता है बॉम्बेक्स मोराई जो होता है उससे प्राप्त होती है तो ऑप्शन क्या आएगा इसका सेकेंड ऑप्शन अगले सवाल की अगर बात करें अगला सवाल बिल्कुल सिंपल है कि रेशम कीट जो होते हैं वो क्या खाते हैं ठीक है रेशम कीट जो होते हैं मलबरी लीव जो होती है सैतुत की जो पत्तियां होती हैं उसको यूज करते हैं बेटा लार्वा जो होती है कैटरपिलर लार्वा जो होते हैं वो सैतूत की पत्तियों पर पले जाते हैं अगला सवाल जो है इनमें से कौन सा ऐसा सेट है जो पारवासी है जिससे आप आर पार नहीं दे सकते आप जिससे आप आर पार नहीं देख सकते आप ठीक है तो इसमें देखो ध्यान से वाटर जो होता है पानी जो होता है आर पार देख सकते हो आप इससे कांच जो होता है इससे भी आर पार देख सकते हो आप कांच जो होता है इससे आर पार देख सकते हो आप कांच जो है आर पार देख सकते हो आप ठीक है इससे नहीं देख सकते आप ठीक है तो बोलना चाह सेट कौन सा इनमें सेट की बात करना जिसे आर पार नहीं देख सकते आप तो कागज और जो कार्डबोर्ड जो होता है इससे आप आर पार नहीं देखते तो ये भाई साहब ट्रांसल्यूसेंट जो होगा कौन सा ऑप्शन होगा इसका सेकेंड ऑप्शन आएगा बेटा जिससे आप आर पार नहीं देख सकते आप ऑप्शन इसका आएगा सेकेंड ऑप्शन अगला सवाल जो बोलना चाह रहा है इनमें से कौन सा पदार्थ है जिसका सेप और वॉल्यूम जो होती है क्या होती है फिक्स होती है वॉल्यूम और सेप जो होती है फिक्स होती है आपको पता है लिक्विड सोलड और गैस में जो सोलड होता है उसकी सेप जो होती है फिक्स होती है, है। सोलिड की सेप क्या होती है फिक्स होती है लिक्विड और गैस जो होते हैं उनकी सेप जो होती है फिक्स नहीं होती है और वॉल्यूम की बात करें तो आपको पता है जो सोलिड जो होते हैं ठीक है और जो लिक्विड जो होते हैं उनका वॉल्यूम क्या होता है फिक्स होता है सवाल क्या बहुत रहा है ऐसा कौन सा है जिसमें सेप और क्या होती है? दो फिक्स होती है. तो दो फॉलोइंग टाइप का सवाल जो है ठीक है देखो ध्यान से ग्लास और जो एयर होती है आपको पता ट्रांसपेरेंट होती है तो फर्स्ट जो आएगा इसमें थर्ड ऑप्शन आएगा ठीक है और जो शुगर और जो साल्ट जो होते हैं आपको पता है वाटर सोलबल होते हैं ठीक है तो जो थर्ड आएगा इसमें क्या आएगा सेकेंड आएगा और जो ऑयली पेपर सीड्स होती है आपको पता है ट्रांसल्यूशन होती है आप उससे आर पार नहीं देख सकते तो इसका ऑप्शन जो आएगा ये आएगा तो फर्स्ट में क्या आ गया थर्ड आएगा सेकंड में क्या आ गया सेकंड में आएगा फर्स्ट और थर्ड जो है शुगर में क्या आएगा सेकंड ऑप्शन क्या आएगा इसका थर्ड फर्स्ट सेकंड इसका ऑप्शन आ गया थर्ड फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आ गया सेकंड ठीक है फिफ्टी एट नंबर का सवाल जो है बोलना चाह रहा है कि एक जाल जो डिफरेंट साइज के आधार पर ठीक है पदार्थों को तो अलग करने का काम करता है तो आपको पता है जो सलनी जो होती है ठीक है थ्रेसर जो होती है और जो फिल्टर पेपर जो होता है तीनों में बात जो होती है इसमें कहीं ना कहीं आकार की बात होती है आकार के आधार पर पदार्थों को तो अलग करने का काम करता है ठीक है लेकिन बात की ही चलना चाह रहा है ये बात करना चाह रहा भाई साहब जाल की जाल जो होता है जाल होना चाहिए और पदार्थों को अलग करना चाहिए ठीक है उनकी साइज के आधार पर तो ऑप्शन इसका आएगा छलनी ठीक है ये फिल्टर पेपर की बात की नहीं करना चाह रहा ये जाल की बात करना चाह रहा है ये इसकी बात करना चाह रहा है ठीक है तो ऑप्शन क्या आएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन आएगा बेटा जबकि थ्रेशर जो होती है थ्रेसर में चार पांच प्रोसेस एक साथ होती है इसमें सेंटिफिकेशन भी होता है ठीक है आकार के आधार पर तो होते ही है ठीक जो भारी जो पदार्थ होते हैं वो साइड में निकल जाते हैं ठीक है तो दो तीन प्रोसेस को मिक्स करके थ्रेसर का यूज किया जाता है ठीक बात किसके चाह रहा है ओनली जाल की बात करना चाह रहा है तो ऑप्शन क्या आएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन आएगा बेटा फिफ्टी नाइन सवाल जो है बोलना चाह रहा है कि साल्ट इज ऑपनेट फ्रॉम सी वाटर बाई द प्रोसेस ऑफ तो समुद्र से नमक को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है ठीक है वो कौन सी प्रक्रिया होती है तो प्रक्रिया का नाम जो होता है वो वेपराइजेशन होता है बेटा तो अलग अलग पानी की कैरिया बनाई जाती हैं ठीक है और क्यारियों से जो है पानी तो उड़ जाता है और नीचे क्या रह जाता है एन ए सी एल रह जाता है नमक नीचे रह जाता है बेटा तो ये जो प्रोसेस है इसको आप बोलोगे वेपराइजेशन इसको बोलोगे आप वाष्पीकरण सिक्सटी नंबर के सवाल की अगर बात करें बात करना चाह रहा है उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना आपको ठीक है तो आपको पता है मिक्सर जो होता है सोलिड लिक्विड और गैसियस फॉर्म में हो सकता है तो सोलिड लिक्विड या गैस हो सकता है बेटा ठीक है और आपको पता है जो भी सेपरेट करते हो किसी कंपाउंड को वो क्यों करते हो ताकि उसकी प्योर फॉर्म ऑफ सेपरेज प्राप्त हो सके आप ताकि वो शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो सके आपको ताकि वो आपको शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो सके अब बात जो मेन जो सवाल तो था वो ये था कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज देन डेट इम्प्योर वाटर ठीक है जो शुद्ध जल का जो होता है आपको पता है, जो जो होता है क्या होता है? बात हो से। जैसे पास H2 है जैसे पानी है अगर ये प्योर फॉर्म में है तो आपको पता सौ डिग्री सेंटीग्रेड पे ये लिक्विड से गैस में चेंज होगा ठीक है लेकिन जैसे ही आप किसी सोलिड की मात्रा बढ़ाते हो उसमें किसी सोलिड की मात्रा बढ़ाते हो आप किसी भी सोल्यूट की मात्रा बढ़ाते हो इसकी मोलिक्यूल की संख्या बढ़ाते हो आप तो आपको पता है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हमेशा बढ़ता ही है ठीक कुछ भी आप इसमें मिलाओगे आप तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल जितने लगाओगे आप तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है अपने आप बढ़ता जाएगा ठीक है तो अगर प्योर फॉर्म की बात करें तो हमेशा जीरो डिग्री ये सौ डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और कुछ भी अगर सोलेंट है इसमें सोल्यूट है इस सोल्यूवेंट में कुछ भी सोल्यवेंट है तो भाई साहब इससे हमेशा ज्यादा ही होगा ठीक है तो प्योर फॉर्म की बात करें तो मेरा सबसे कम होगा मिनिमम होगा बेटा तो ऑप्शन क्या इसका? Option आएगा. Option आएगा इसका थर्ड ऑप्शन आएगा ऑप्शन आएगा इसका थर्ड ऑप्शन ओके शुक्रिया थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स सेल्फ निकिता साबू बायोलॉजी फैकल्टी टीम सीएलसी चलिए आज हम सीएलसी टेक्नो के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे बायोलॉजी पोर्शन का चलिए क्वेश्चन नंबर 61 आपको दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग

डेरी प्रोडक्ट है और घी भी तो ब्रेड जो है वो एक डेरी प्रोडक्ट नहीं है ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया ब्रेड नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं ऑफ फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म यूजेस सनलाइट टू मेक इट्स फूड ठीक है ये सारे एनिमल्स ये ट्रीज जो है ये प्लांट है ये क्या करेगा सनलाइट की एनर्जी को यूज करके अपना फूड बनाएगा तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ट्रीज नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं विच ऑफ़ दॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर मेकिंग स्प्राउट्स स्प्राउट्स बनाती होंगे ना मम्मी घर में ठीक है स्प्राउट्स स्प्राउटिंग uh, किस में हो सकती है देखिए इनमें भी हो जाएगी इसमें भी हो जाएगी इसमें भी हो जाएगी, जाएगी बट जो मक्का है ये इसमें स्प्राउटिंग नहीं होगी ठीक है तो फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन सोर्स ऑफ प्लांट ओरिजिन ये आपको देखना है ऑफ प्लांट ओरिजिन सोयाबीन एक बहुत रिच सोर्स होता है किसका प्रोटीन का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं प्रश्शन रहेगा वो रहेगा फ्रूट जो है वो क्या है? अपने प्रोटेक्टिव फूड्स की कैटेगरी में आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं द ब्लैंक इज द स्ट्रोंगेस्ट पार्ट इन अ ट्री ट्रंक इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ट्रंक इज द स्ट्रोंगेस्ट पार्ट इन अ ट्री नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं चलिए विच ऑफ़ दी फॉलोइंग लिविंग बींग्स आर नोन फॉर ग्रोथ थ्रू आउट देअर लाइफ इनमें से आपको देखना है कि थ्रू आउट देअर लाइफ कौन ऐसे ऑर्गेजम है जो ग्रोथ करते हैं तो ट्रीज़ जो है वो थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ करते रहते हैं तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ट्रीज नेक्स्ट ऑप्शन पर मूव करते हैं द फूड प्रिपेयर बाई लीव इज स्टोर्ड एज किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया जाता है ठीक है थैंक यू